फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ में कोरोना लाने का श्रेय शास्त्री नगर सेक्टर 13 निवासी व्यवसाय को जाता है, तो अब शहर में कोरोना फैलने के लिए सब्जी व फल विक्रेता जिम्मेदार माने जा सकते हैं। पिछले 24 घंटे में 39 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाने व उनमें अधिकांश लोगों का सब्जी व्यवसाय से जुड़ा होना कम से कम यही साबित कर रहा है। लॉकडाउन की परिधि में पहले ही दिन से मेरठ शामिल है, लेकिन यहाँ बाजारों में कितनी चहल पहल है। कंधे से कंधा मिलाकर शॉपिंग करना जैसे आम शगल हो गया है। यदा कदा सामने आए वीडियो या फोटो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफ़ी हैं कि लॉकडाउन के प्रति जिला प्रशासन का रवैया भी कहीं ना कहीं उदासीन रहा है। पूल टेस्टिंग हुई तो यह बात निकलकर सामने आई कि सब्जी फल व खाद्यान्न मंडी कोरोना के बड़े उत्पादक सेंटर हैं, यानी अगर टेस्टिंग की संख्या में इजाफा हो जाए तो यह आंकड़ा पेशानी पर बल डालने वाला निश्चित रूप से होगा। अब जबकि मंडी से ही अधिकांश कोरोना संक्रमित निकलकर सामने आए हैं तो जिला प्रशासन की नींद टूटी है। मंडियों को बंद तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक साथ भीड़ न जुटे इसके लिए टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है। अब ताजी व्यवस्था के मुताबिक खाद्यान्न मंडी दोपहर 12 से अपराह्न 4 बजे तक खुलेगी। यह मंडी कल यानी सोमवार को खुलेगी, फिर 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। इस बीच यहां मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा। इसी क्रम में फल मंडी सुबह 5 से प्रोहान 11 बजे, जबकि सब्जी मंडी रात 8 से सुबह तड़के 3 बजे तक ही खुलेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य वहां जमा होने वाली अनियंत्रित भीड़ पर अंकुश लगाना है। प्रशासनिक सूत्र ऐसे भी संकेत दे रहे हैं कि कल से सख्ती और बढ़ाई जा सकती है। इस बीच शराब की दुकानें खुलने की सूचना पाकर ही दो घूट जिंदगी के पीने वालों का खुशी के ठिकाना नहीं रहा, लेकिन देर रात होते होते उनके ख्वाब को कड़ा झटका लगा कि मेरठ में शराब की दुकानें व ठेके अगले आदेश तक खुलने नहीं जा रहे हैं। आज सभी ठेके व दुकानों पर लटके ताले जिला प्रशासन के आदेश की बाट देखते रहे और पीने वाले दुकान खुलने के संदेश का। मेरठ जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार ने शराब की दुकानों व ठेकों के बारे में फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। आइए देखते हैं। मैं आलोक कुमार, जिला आबकारी अधिकारी मेरठ। सर, वाइन शॉप को लेकर शासन की तरफ से क्या आदेश हुआ है, क्या गाइडलाइंस? देसी शराब, विदेशी मतलब बियर की, भांग की दुकानों के लिए ये आदेश हुए हैं कि अगर कोई रेड जोन में है तो एकल शॉप को खोला जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए। और 10 सुबह जो 10 बजे से रात 10 बजे तक का समय था उसमें परिवर्तन किया गया है, सुबह 10 बजे से वो 7 बजे तक की दुकानें खुलेंगी। सर, इन केस इनमें अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे देते हुए या किसी आपके जो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नहीं पाया गया तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इसके लिए दुकान पर मौके पर हम लोग आबकारी का स्टाफ और पुलिस फोर्स की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोई जो है एक्स्ट्रा पैसे ना ले, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उस पर दुकान के बाहर गोले बनवा रहे हैं 6-6 फीट की दूरी पर। साथ में सेल्समैन को सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं, ग्लव्स भी दिलवा रहे हैं लाइसेंसी की तरफ से कि वो अपना उस तरह से डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए कार्रवाई करे। सर, ये कब से खुलेंगे? ये जिला प्रशासन जिस दिन भी आदेश कर देगा, जिस समय आदेश करता है उसी समय से खोल दिया जाएगा। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।